आकल से साथ हो गए धारी स्वरूप प्रदान अंदर भी विजय स्वरूप प्रदान शांति कराए नमः सर्व शांति पुष्टि
O Mitri Sankinatar, 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 Thank you.
प्रार्थ स्थान पाते स्वाहा पुष्प सुगंधि से
I'm
Thank you.
Thank you.
तो समय निकाल पे वो
पंडित देवेंद्र शास्त्री से निवेदन करता हूं कि एक भजन और तत्पश्चात यहां पर प्रवचन का कार्यक्रम होगा और प्रवचन के पश्चात बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे गौरव सांस्कृतिक का कार्यक्रम का नाम है हमारे गौरव जो हमारे त्रेसठ सलाका महापुरुष हैं या जो हमारे प्राचीन महापुरुष हैं उनसे संबंधित एक कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर होगा और दादू श्रीमान नमः परमात्मा शक्ति या नमः
सदा सरदार जी जिन्होंने भगवान कहो आचार्य कहो समस्त भद्राचार्य के हृदय को खोला है, ये क्या कहना चाहते हैं? और एक निवेदन, जो ज्यादा पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाए, क्योंकि जो जिनवाणी के अपने पास रहेगा जिनवाणी उसके अपने पास रहेगी, और जो जिनवाणी से जितनी दूर रहेगा जिनवाणी उसके उतनी दूर। जुलूस में तो हमें कहते हैं कि थोड़े पास के लेवल से जुलूस बड़ा लगे, और यहाँ हमें कहते हैं बिल्कुल समझ जाइए, बिल्कुल अपने में समझ जाइए, जिससे हमें पता ही नहीं चले तो कोई यहाँ बैठा। तो जिन्होंने इस रत्नचंद साहब का चाय की हिंदी टीका की है उनका नाम क्या बताया हमने? पंडित सदा सुखदास जी इतने व्यक्तित्व के धनी थे जिनकी टीका इतनी प्रमाणित मानी जाती है, इतने आचार्यों के वचन प्रमाणित माने जाते हैं। चाहे दौलत राम जी को कहें, चाहे हम गोवर्धन जी को कहें, चाहे सदा सुखदास जी को कहें, हम करते हैं पढ़ते हैं, ये महान भाव ये विद्वान इतने प्रमाणित माने जाते हैं, जैसे आचार्य प्रमाणित होते हैं ऐसे विद्वान प्रमाणित होते हैं। आज से 500 वर्ष पहले उन्होंने इस रतन ग्रंथ साहब आचार्य की हिंदी की, तो वो सदा सुखदास जी का व्यक्तित्व इतना महान था, और वो अपने आप में क्या थे, एक राजा के यहाँ नौकरी करते थे, और उस समय नौकरी में इनको 10 रुपया महीना मिलता था। 10 रुपये महीना मिलता था, और एक 10 रुपये में अपना घर का खर्च चलाते थे, और जितना नौकरी का टाइम था उतने समय नौकरी करते थे, और जो काम उनका 8 घंटे का था तो 4-5 घंटे में कर लेते थे, और जो 3 घंटा बचता था तो शास्त्रों का अध्ययन करते थे, वही जहां सर्विस करते थे वही। तो लोगों ने और कर्मचारियों ने शिकायत की कि सदा सुखदास जी तो काम चोर है, बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं और सारे अपना काम पूरा नहीं देखते। तो जो राजा लोग के दम की शक्ति होती है वो सब देखते हैं, तो उन्होंने उनकी इंक्वायरी की, तो उनकी इंक्वायरी में उनका कार्य तो उन्होंने पूरा बना, जो उनका कार्य था वो तो पूरा करते थे ना, काम पूरा करते थे, उसके बाद वो अपने शास्त्रों का अध्ययन करते थे। कई कर्मचारियों ने अरविंद कला कुछ लग रहे थे तो कर्मचारियों ने शिकायत की, उसके बाद जितने और कर्मचारी ऑफिस में थे वो साल भर में 2 साल में अपना वेतन वृद्धि के लिए प्रार्थना पत्र देते थे, और किसी की आशा ना, किसी की 1 रुपया, किसी की 2 रुपया वेतन वृद्धि हो जाती थी। और सदा सुखदास जी ने कई वर्ष निकल गए और वेतन वृद्धि का कोई भी प्रार्थना पत्र ये मैं उन लोगों को खास तौर से कह रहा हूँ जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर की हो गई है या 60 वर्ष के निकट 55 साल आने को निकल चुके हैं, उनके लिए कह रहा हूँ खास तौर से। उन्होंने कोई वेतन वृद्धि का
तभी एक बार फाइल महाराज के पास पहुंची और उन्होंने देखा उस रजिस्टर को, वेतन रजिस्टर को, तो सबका वेतन बड़ा होता था, केवल सदा सुधा जी का वेतन उसमें तो बुलाया गया उनको, क्यों सदा सुधा जी आपकी वेतन क्यों नहीं बड़ी है, सब लोगों की क्यों वेतन बड़ी है? तो मंत्री जी को भी बुलाया गया, क्यों साहब इनकी वेतन क्यों नहीं बड़ी है, वो सब लोगों की क्यों बड़ी? बोले उनका कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया। तो फिर उनसे पूछा गया क्यों आपने प्रार्थना पत्र क्यों नहीं दिया? अरे बोले जितना मिलता है उतने में काम चला लेते हैं, जितना मिलता है उतने में काम चला लेते हैं। तो बोले तुम जो कहो हम उतना वेतन तुम्हारा बढ़ाना चाहते हैं, हम तुम पर खुश हैं कि तुम इतने संतोषी जीव हो। तो उन्होंने कहा अगर महाराज की कृपा हम पर है तो मैं चाहता हूं कि मेरे काम के 2 घंटे कम कर दिए जाए, जिससे मैं और आगे स्वाध्याय कर सकूं। तो राजा ने काम के 2 घंटे कम कर दिए और वेतन 10 रुपया से 20 रुपया कर दिया। पुण्य के उदय में आने वाली संपत्ति को कोई रोक नहीं सकता है और पाप के उदय में जाने वाली संपत्ति कोई बचा नहीं सकता है। आन हाथ धन कैसे आए सिंगल पे आ गया। आन हाथ धन कैसे आए जैसे नारियल पानी में आए। बताओ एक नारियल के पेड़ में अधिकतम नारियल कितने लगते हैं? आप लोगों को पता नहीं मिल सकता है। 300 और 370 के बीच में लगते हैं एक पेड़ में, 300 और 370 के बीच में लगते हैं एक नारियल। पूरे उसके जीवन में 360 मान लीजिए, माने एक साल में जितने दिन होते हैं उतने उस नारियल के पेड़ में फल लगते हैं, पपीता जैसा होता है। अब बताओ उस नारियल में पानी भरने के लिए जाता है, उसमें 1 लीटर करता है, 3 पाव करता है, आधा लीटर करता है, कौन जाता है उसमें पानी भरने? आन हाथ धन कैसे आए जैसे नारियल और जान हाथ धन कैसे जाए जैसे केथा कुंज रखाए। केथा मान जाते हो कि बिचड़े दिखाते और कुंजर मान जाते हो हाथी, कुंजर माने हाथी, हाथी पूरा नारियल पूरा केथा खाता है, पूरा सेगा का सेगा और पीठ में पूरा सेगा का सेगा निकलता है और उसको फोड़ो तो उसमें कुछ नहीं अंदर हार धन कैसे आए जैसे नारियल पानी आए और जान हार धन कैसे जाए जैसे नेथा कुंजर खाए। इस सदा जी के ऊपर घटना तो उनका वेतन कितना 2 गुना और 2 घंटे उनके काम के कम कर दिए गए। ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा लिखाया ये रत्नकरण श्रापाचार है। तो रत्नकरण श्रापाचार में पूजन पद्धति के बारे में जितना लिखा गया है इतना और किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं लिखा गया। इस बात को मैं यहाँ आज के प्रवचन के माध्यम से कहना चाहूंगा क्योंकि श्रावक का जो मुख्य कर्तव्य है उन कर्तव्यों में 6 कर्तव्य और डॉक्टर साहब ऐसे आवाज कैसे आते कुछ पीछे कर स्वाध्याय संयम तप और दान।
उपासना, उससे बड़ा काम कौन है? स्वाध्याय। उससे बड़ा काम कौन है? संयम। उससे बड़ा काम तम है? तप। और सबसे बड़ा काम कौन है? दान। दान देना बहुत कठिन काम है और सब लोगों को लगता है वो बहुत सरल काम, सबको लगता है बहुत सरल काम, कमाते हैं तो देते हैं, तो कमाई भी आज सरल हो गई आज के जमाने में। और दान देना ना भाई साहब वो कमाई है और ना वो दान है। दान चार प्रकार, चार संघ को दीजिए, धन उन हार ना भावता हो। दान चार प्रकार, चार प्रकार का जो दान होता है वो मुनिराज को दिया जाता है, वो दान की श्रेणी में आता है जो स्वास्थ्य और बल के उत्पाद में निमित्त बने उसको दान कहते हैं। तो बल के उत्पाद में और स्वास्थ्य के उत्पाद में वो हमें अपना स्वात्मा बता रहे हैं और वो अपने स्वात्मा का कल्याण कर रहे हैं। तो जो स्वात्मा मुनिराज का स्वरूप इसमें बताया है, विषया सा बसाती तो निरामो अहिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रसन्नते। मुनिराज कौन है? विषयों की आशा नहीं जिनके, विषयों की आशा नहीं जिनके। और विषय कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? पांच इंद्रियों के पांच विषय, पांच इंद्रियों के स्पर्श इंद्रिय माने शरीर का विषय, शरीर के विषयों से विरक्त, रसना इंद्रिय के विषय से विरक्त, ध्यान इंद्रिय के विषय से विरक्त, चक्षु इंद्रिय के विषय से विरक्त, तो कर्ण इंद्रिय के विषय से। अब जो पांचों इंद्रियों के विषय से विरक्त होगा, अब उनकी कोई निंदा प्रशंसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? ना उनको निंदा सुनता है और ना उनकी को प्रशंसा सुनता है, क्योंकि उनके लिए तो सारा जगत शत्रु मित्र सम एक समान है। राजा श्रेणे और रानी चेजा है, दोनों व्यक्ति कैसा संभव है? राजा श्रेणे का भाव मुनिराज के प्रति के उनके गले में सर्प डाल दिया और रानी चेजा का भाव कि ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज के ऊपर तुमने सर्प डाल दिया। और जब वो उनके घरे से सर्प निकालने के लिए उद्यम करती हैं, चींटी लगती थी सारे शरीर में, देखो ये मुनिराज का उत्साह, चीनी लेनी घर से और वो चीनी दे करके वो सारी चींटियां नहीं बन सारी चींटियां चीनी के ढेर पर आ गई। और जब चीनी का ढेर चींटियां आ गई, सर्प बचा, वही एक व्यक्ति था उसने सर्प को अलग कर दिया। और जब ये दशा राजा श्रेणी ने चींटी देखी, धन्य हो आज आंखों में आंसू, मुंह में कोई शब्द नहीं। चेला कहती है पतिदेव आपको क्या हो गया है? अब हमारे जीवन में शुभता ऐसी गुरु उपासना, ऐसे मुनिराज को चार प्रकार का आहार देने का भाव बताओ। सती चंद्र वाला को है कौन स्थिति में? सती चंद्र वाला थी इसने उदम दिया, भगवान बना दिया। कोई चाहती नहीं कि भगवान बने हमारा बेटा, सबको ये चाहता डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए,
आपकी अरुण मास्टर है वो सारे मास्टर नहीं है, तीनों पंडित है, अच्छे विद्वान है, छोटी के विद्वान है तीनों। परिवार में तो बहुत बड़ा मास्टर परिवार है आपका, मास्टर सब विद्वान है। मास्टर माने क्या, वो इंग्लिश शब्द है। आज उत्तर प्रदेश में है मास्टर, चाहे मध्य प्रदेश में, पहले मास्टर पंडित जी को आचार्य जी, मैं आचार्य जी था, मैं तो संस्कृत कॉलेज में था, तो मैं आचार्य जी है और लड़के जी सब पंडित जी, क्योंकि पंडित की पोस्ट तो इतनी अच्छी पोस्ट है कि स्वयं अपना चिंतन कर सकता है और उस चिंतन को जनता के बीच में परोस सकता है। अगर आप दफ्तर बनाएंगे, अगर आप इंजीनियर बनाएंगे, अगर आप टीआईटी को भी आई है तो ये क्या करेंगे बताओ। उन्हें कहीं पैथोलॉजी का बन गया, ये बैठे के सब निकल गए, डॉक्टर साहब इसने कटिंग के कैसे बना पता नहीं जिंदगी भर क्या करेगा वो। हम तो कहते हैं हार्ट का बन जाए तो कोई बन जाए, डॉक्टर क्या करेगा जिस टाइम पर ही जाएगा, और पंडित क्या करेगा। मैं तो अपने को इतना सौभाग्यशाली मानता हूं कि भगवान ने मुझे सबसे अच्छी पोस्ट, इससे अच्छी कोई पोस्ट जगत में होती नहीं। अगर इससे अच्छी कोई अच्छी पोस्ट होती तो सबको अपना छोटा बच्चा प्यारा होता है, मैं अपने बच्चे को ये दर्शन नहीं पढ़ाता। आप लोगों ने बच्चन दंत चक्रवर्ती की बैराग भावना सुनी होगी, सुनी है किसी ने पढ़ी है तो हाथ ऊपर करो, नहीं शशि खड़े हो हाथ कोई दो चार पढ़ी है बताओ। बच्चन दंत चक्रवर्ती कौन थे, कहां पे थे बताओ, एक नहीं बता पाएगा मुझे पता है। मैं एक संयोग से कोई बात पूछता हूं तो किसी को पता नहीं है, मुझे पता है कि ये बात किसी को पता नहीं। बच्चन दंत चक्रवर्ती की जब बैराग भावना लिखी है राजू का तो पता है, तो बच्चन ने क्लास में सुनाई थी ना, घर पे क्लास चलती है हमारे घर पे, और कई लोग आते हैं क्लास में और उनको ये सारी चीजें कुछ ऐसी बता देते, बाकी तो बहुत ऊंची चर्चा होती है। तो बच्चन दंत चक्रवर्ती की जब बैराग भावना लिखी है तो कई लोगों ने इतराज किया उस कवि के ऊपर, तुम्हें बच्चन दंत चक्रवर्ती मिली थी जिस त्रेसर सलाका के पुष्पों पर आज कृष्ण मंच होना है उसमें बच्चन दंत चक्रवर्ती का भी नाम आ जाए तो मुझे पता नहीं है उसका तो उसमें है, क्योंकि तो उसने कहा अरे चक्रवर्ती की हम बैराग भावना लिख रहे हैं इसमें तुम्हें क्या दिखा है, हमें दिक्कत है एक भाई समाज माइक इसीलिए लगाया जाता है जिनके बच्चे उत्तर कर रहे हो वो आजू बाजू में बैठता हूं वहां से सुन लेंगे। तो क्या दिक्कत थी अन्य लोगों को उस कवि से क्या शिकायत थी, बोले बच्चन दंत चक्रवर्ती भर क्षेत्र के नहीं थे, भरत क्षेत्र में कितने चक्रवर्ती होते हैं एक बार में, 12 चक्रवर्ती होते हैं ना, तो 12 चक्रवर्ती होते हो 12 में से सारी की लिख देती तुम, लेकिन 12 में से कई तो छोड़े तुमने और विदेश के विदेश क्षेत्र विदेश विदेश के चक्रवर्ती की लिखी। वो कितने भी थे कितने भी तो इसलिए कह देते थे कितने ही होते थे तो बैठे रहते थे कितने कितने तो वो कहां के थे, धात की दीप के, धात की दीप धात की खंड होता है, ये तो जैसे विदेश क्षेत्र होता है, नदी संदीप होता है, धात की खंड होता है, पुष्कर दीप होता है, पुष्कर खंड होता है, ये सारा विश्व कितना बड़ा है, ये तो एक टुकड़ा है, भारत अमेरिका रूस चीन जापान ये तो बीच का इतना सा टुकड़ा है, विश्व तो बहुत बड़ा है। तो वो धात की खंड दीप
चुके थे उनकी बारे भावना लिखने की क्या बड़ी कमी है? क्या ऐसी उसमें तो कभी कहता है कि अगर तुम्हें स्टार भाव पैदा भावना में कोई विशेषता दिखे तो पढ़ के हमें उत्तर देना। और उनका जब व्यक्तित्व पढ़ा मधुचंद्र चक्रवर्ती का, तो जिस समय उनको अपना एक बाल सफेद दिखा, इसको वज्रदंत चक्रवर्ती को, और चक्रवर्ती के कितने बेटे होते हैं? 96,000 तोरणी होती है, और 96,000 रानियों में 64,000 रानियों में एक रानी कमजोर कर दो तो कितने रानियों के संतान होती है? पटरानी के लिए होती है तो 32,000 और रानियों के लिए संतान, और 64,000 भगवान के सबो शरण में प्रवचन सुनने जाती हैं, तो मेरे उसके ऊपर एक टिप्पणी करती जाती होती है तो उपस्थित है उनकी, उन्हें मंदिर नहीं जाने, उन्हें मंदिर नहीं जाने, उन्हें सो में तो केवल उपस्थित है 64,000 छोड़ दिया है, लेकिन यदि वो बता दे तो आपको एकदम ही क्लिक हो जाता है, इसलिए कुछ शब्द मैंने इसमें छोड़ दिया।
पूछा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम इतने कोमल और इतने छोटे जंगल में कैसे रह पाओगे बेटा? माँ, मुझे तो मुझे दीक्षा देने के भाव हो रहे हैं, अब मैं इस संसार में रहना नहीं चाहता। माँ नहीं, मा, नहीं बेटा, माँ नहीं, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, नहीं जंगल में कैसे रहोगे? वहाँ भयानक शीत, सर्दी, गर्मी, बरसात को कैसे सहन करोगे बेटा? नहीं माँ, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो मुनी है बेटा, मैं आपकी भाषा की सरल स्वीकृति देती हूँ। दीक्षा लेने की आज्ञा मांगी और दीक्षा दरबार।